बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। एक्सेल में ग्राफ कैसे बनाएं? तो सबसे पहले मैं डेटा जनरेट कर देता हूँ। प्राइम, साइन एंड कोसाइन फंक्शन के थ्रू सिंपली आप ड्रे कर दें और साइन और कॉस फंक्शन डेटा तो मेरे पास आ गई। अब सिंपली सिलेक्ट करें जो भी आपके पास डेटा है। इंसर्ट में जाके रिकमेंडेड चार्ट में जाके आल चार्ट में जाके जो भी आपको चार्ट चाहिए वो आप बना लें। मैं तो स्केटर चार्ट ही बनाता हूँ अभी। इस चार्ट में ये है टाइटल, आई कैन मैं इसे रीनेम भी कर सकता हूँ। तो लिख लेता हूँ बेसिक एक्सेल चार्ट और ये है लेजेंड। उसके अलावा लेजेंड हो गया हमारा और फॉन्ट फॉर इंस्टेंस मैं चाहता हूँ ये जो फॉन्ट है ये कुछ बड़े हों। इसके लिए सिंपली मैं होम में जाके यहाँ पे राइज करना हो या इस्तेमाल करना हो वो यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। किसी भी एक डेटा सीरीज पॉइंट में जाके राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा सीरीज में जाके तो ये मेन्यू बार खुलाएगा। वहाँ पे आप सॉलिड लाइन दे दें, इसको कोई कलर दे दें। फॉर इंस्टेंस मैंने कलर दे दिया। सेम थिंग अगर मैं करना चाहूँ दूसरी लाइन पे तो सॉलिड और उससे कलर दे देता हूँ। ये मैं लिमिट्स 0 to 3, 5 चेंज कर सकता हूँ सिंपली ग्राफ में जाके एक्सिस ऑप्शन में जाके 5 कर दूं। तो फिलहाल तो रिसेट कर देता हूँ। ये स्टेप जो है 0, 0.5 इसे भी चेंज कर सकता हूँ। ओ 0 अब देखें 0, 0.4, 0.8 लिमिट भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गई 3.6 तक। इसको मैं कंट्रोल पी करके प्रिंट भी कर सकता हूँ ग्राफ को या अपनी कोई प्रेजेंटेशन हो उसमें लगा दूं। जहाँ सिंपली वर्ड में कोई भी पीडीएफ अगर मैं बना रहा हूँ तो वहाँ पे ऐड कर दूं। थैंक यू।